गोंडा के वजीरगंज थाना इलाके के टीकरी गांव में सिलेंडर विस्फोट से हड़कंप मच गया। सिलेंडर विस्फोट से दो मकान टूट गए जिसके मलबे में 15 लोग दब गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खाना बनाते वक्त सिलेंडर विस्फोट के कारण हादसा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हादसे की चपेट में आया नूर हसन का परिवार पटाखे का कारोबार करता है और पटाखे के बारूद में हुए विस्फोट के कारण हादसा हुआ है। भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी ने इलाहट चौराहे पर प्रदर्शन किया और सरकार से महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत ने कहा कि कोरोना काल में जनता आर्थिक तंगी से जूझ रही है और सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे में या तो सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए या कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बागपत में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 389 रह गए हैं, जिसको देखते हुए करीब एक महीने बाद शहर, कस्बे और गांव में बाजार खुल गए हैं। लेकिन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई लोग सड़कों पर बिना मास्क पहने नजर आए। बता दें कि अभी भी जिले में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएम ने लॉकडाउन में छूट दिए हैं, लॉकडाउन की गाइड को समझते हैं? बिल्कुल, उसमें क्या कहना है आपको? हमें ये कहना है कि जो दुकानदार मास्क न लगाए उनको चलना होने चाहिए। तो दुकानों पे मास्क बहुत कम लगाते हैं लोग बाहर, और बाजार में भी मास्क बहुत कम लगते हैं। पुलिस प्रशासन को भी उनकी वो करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और गाइडलाइन का पूरा पालन करना चाहिए। नहीं, क्या लोग ये बिना मास्क के बिना उसके सोशल उसको नहीं बढ़ा रहे? नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए दुकानदारों को भी और ग्राहकों को भी। ग्राहकों को भी कम से कम बाजार में निकलना चाहिए। मैं मेरा नाम सुधीर जैन है। अच्छा ये बताइए सुधीर जी, आपकी दुकान भी है जी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के डीएम ने लॉकडाउन में छूट दी, उसका कितना पालन करें लोग? ऐसा है, जो राज्य सरकार ने छूट दी कोरोना का, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन लोग नाम मात्र भी उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। 80% आदमी बिना मास्क के बाजार के अंदर घूम रहे हैं, कुछ दुकानदार भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो भी लॉकडाउन में छूट दी है, हम उसका स्वागत करते हैं और जान भी जहान भी दोनों बात बरकरार रखे हैं उन्होंने, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने पूरी कोशिश के द्वारा जितने केस थे हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें उनके प्रयासों से बहुत कमी आई है। अतिरिक्त क्योंकि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया जनपद बागपत में 600 केस कम होने के कारण हो चुकी है, मैं अपने सभी जनपद वासियों से, सभी अपने भाइयों से, बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यद्यपि अनलॉक हो गया है, लेकिन मास्क को अपने चेहरे पर अवश्य लॉक कर लें और तभी हम लोग आने वाले समय में कोरोना को मात दे पाएंगे। जिस प्रकार से आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस बार विजय प्राप्त की है, मुझे पूरी आशा है कि वैक्सीन और कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए हम लोग भविष्य में भी इस त्रासदी पे बहुत अच्छे से विजय प्राप्त करते हैं। गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं तेज आंधी के कारण एक गरीब का घर ढह गया, जिसकी वजह से घर के सभी लोग घायल हो गए। मामला डासना का है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की भी मौत नहीं हुई है। परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई हैं, वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हरदोई में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बाद अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हो, इसको लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। 19,02,700 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद जिले में 1,000 नहीं बल्कि 1,400 लोगों का वैक्सीनेशन रोजाना करने का टारगेट रखा गया है। इसी कड़ी में हरदोई के शाहबाद सीएचसी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गाजियाबाद में कोरोना रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों को लेकर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी, राज्यसभा सांसद और विधायक मौजूद रहे। सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी जिलों में व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बाद अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। शाहजहांपुर में अभिभावकों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया। पुराना जिला अस्पताल में बनाए गए बूथ का शुभारंभ सांसद अरुण कुमार सागर और मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने किया।
सांसद अरुण कुमार सागर ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार टीकाकरण का काम कर रही है ताकि हर व्यक्ति को वैक्सीन मिल सके। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 109 सेंटर बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण का काम लगातार चल रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी सेंटर बनाए जाएंगे। हमारे जनपद में संपूर्ण लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और सहयोग से लगातार 16 जनवरी से लगातार यहाँ पर जो जनपद में 23 जनपद नियमित किए गए थे वहाँ पर लगातार वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। पहले चरण में 45 साल से ऊपर वालों के और दूसरे चरण में 18 से 44 साल तक के सभी के लिए मेरा क्षेत्र के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि भारी संख्या में अपने अपने बूथों पर जाकर वैक्सीन लगवाने का कार्य करें। हमारे शाहजहाँपुर में आज के दिन जो वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के लोगों का स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके वहीं पर वैक्सीनेशन कराना है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। जिसमें अभी तक ये था कि स्वयं रजिस्ट्रेशन कराएं और CVC इलाज करवाएं, उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ये किया गया है कि सबको जो 18 साल से ऊपर है उन लोगों का स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा कर वहीं पर वैक्सीनेशन कराइए। अब ये लोग बहुत लोग उत्सुक भी हैं और आगे लगवा रहे हैं। आज के दिन 109 CVC सेंटर खुले हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और उम्मीद है कि सभी लोग उसमें उसका उपयोग करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे। हमारे कोरोना से हमें जीत पाने के लिए एक सबसे अच्छा साधन यही है कि हम सभी को वैक्सीनेट कर दें और वैक्सीनेशन करने के बाद उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दें जिससे कि कोविड उनको छू तक ना पाए। सबसे अच्छा यही रहेगा कोरोना से बचने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लें। सभी से मेरा अनुरोध है, अपने शाहजहाँपुर के वासियों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है। CVC सेंटर्स हमने 109 आज लगाए हैं और ज़रूरत पड़ेगी हम और भी बढ़ा देंगे। जाके गाँव में स्पॉट वैक्सीनेशन जो वर्क प्लेस है वहाँ पर करवा रहे हैं और सैटेलाइट सेंटर भी खोल रखे हैं, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन करवा के दूर करेंगे। देवरिया में एक बेटी ने औलाद का फर्ज निभाते हुए पिता को मुखाग्नि दी। मामला पटनवा पुल का है, जहां बेटी गुड़िया ने अपने पिता को नम आंखों से विदाई देते हुए मुखाग्नि दी है। प्रतापगढ़ में एक युवती ने फोन से बात करते हुए अचानक नदी में छलांग लगा दी। मामला नगर कोतवाली के गायघाट पुल का है। युवती के कूदने के दौरान स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो नदी किनारे मछली पकड़ने वालों ने युवती को बचाने की कोशिश की। 3 लोग नदी में भी कूदे लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चल सका। बागपत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और DM राजकमल यादव ने दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में लगे टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। जिले में कई वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं जहां रोजाना 100-100 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सांसद और DM ने कैंप स्थलों का निरीक्षण किया। युवाओं को पहले डोज के टीकाकरण के लिए जिले में 1,30,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि दूसरी डोज का टीकाकरण के लिए 30,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, ये पूरे बागपत जिले के लिए आज बहुत बड़ा ये शुभ समाचार है कि आज से 18 से साल के उम्र के जो बड़े लोग हैं उनके लिए आज वैक्सीनेशन की टीकाकरण की शुरुआत बागपत जिले में हुई है। आज 6 केंद्र जो 45 साल से हो कि नहीं, 18 से वाले के ऊपर के जो 6 कैंप हैं और 2 जो हैं स्पेशल, जिसको अभिभावक स्पेशल बोला गया, उसके कैंप शुरू हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1 घंटे के अंदर, 5 दिन के अंदर जितनी वैक्सीनेशन लगेगी, जितनी वैक्सीन लगेगी, वो 1 घंटे के अंदर इस बात की पूरी पूर्ति हो गई। इसका मतलब लोगों में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है। उनको लगता है कि अगर हमको कोरोना से बचना है तो जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण होना चाहिए, अपना वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आप बता रहे हैं लोग किस तरह का, आपको देखिए, आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि लोगों ने इतनी उत्सुकता इसके अंदर दिखाई है।
सुबह से ही लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों का यही प्रयास है कि यहाँ पर जो प्रबंध उनके आने के उपरांत हैं उनको हम लोग चाक चौबंद रख सकें, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कोई वेट ना करना पड़े, इसीलिए स्लॉट बुकिंग के आधार पर किया गया है। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत जागरूक हैं और ये एक अच्छा संकेत है समाज के लिए।